इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सेना के रिटायर्ड ऑफिसर ने याचिका दाखिल की है और मोदी सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 60 लाख के लगभग पेंशन भोगियों की जो भत्ता था उसे रोक दिया गया था। डीए को रोकने की वजह से यहां पर खासी नाराजगी कर्मचारियों के बीच में थी और अब सेना के रिटायर्ड ऑफिसर ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की है। गोपाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, ये बताइए कि ये जो याचिका दाखिल की गई है इसमें क्या आधार बनाया गया है? देखिए, कहा गया है कि यह गलत है, इस तरीके से आप नहीं काट सकते हैं महंगाई भत्ता, क्योंकि इसी पर जो पेंशन भोगी हैं इसी पर निर्भर करते हैं और यही जब नहीं मिलेगा तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनके परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही जो दूसरा आधार बनाया गया है कि केंद्र सरकार के ही नीति पर राज्य भी अपने कर्मचारियों के जो है महंगाई भत्ता वो काटने शुरू कर देंगे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन पर तुरंत रोक लगाए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने लागू कर दिया और राज्य भी लागू कर देते हैं तो इससे सरकार को 1,20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, बचत होगा। और साथ ही यह भी कहा गया कि इन केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशन भोगी हैं उनको हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे। गोपाल, हालांकि इस पर अभी राजनीति हमने देखी किस तरह से, कांग्रेस ने इसे गैर जरूरी बताया, राहुल गांधी का भी बयान आ चुका है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कह चुके हैं कि एकदम गैर जरूरी फैसला है। इसके अलावा जो आपके फिजूली खर्च थे, चाहे आप बुलेट ट्रेन का परियोजना चलाने वाले थे उस पर रोक लगानी चाहिए थी, वहां से आपको काफी फायदा मिल सकता था, बजाय जो आर्थिक बोझ आप अपने कर्मचारियों पर डाल रहे हैं, तो एक तरीके से जख्म पर नमक छिड़कने जैसा ये फैसला बताया गया था कांग्रेस की तरफ से। अब बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि सुप्रीम कोर्ट, अब ये मामला पहुंच चुका है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देखता है। गोपाल जी, बिल्कुल मनु, अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, सुप्रीम कोर्ट इसको कितना गंभीरता से लेता है, इन अधिकारियों के याचिका को, और क्या कुछ आदेश देता है या नहीं देता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछली बार जब मीटिंग हुई थी कांग्रेस की और जब वहां पर मनमोहन सिंह मौजूद थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि नहीं, ये कर्मचारियों को महंगाई भत्ता काटना उचित नहीं होगा, अगर सरकार को करना ही है तो बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं हैं या जो रक्षा से संबंधित चीजें हैं जो डील हो रखे हैं उस पर फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक लगाए, उस पर कटौती करे, सरकारी कर्मचारियों और जो पेंशन भोगी हैं उनको उनकी महंगाई भत्ता को ना काटे। इसको कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाया गया था और राहुल गांधी की तरफ से भी यह आवाजें उठाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तब जाकर के ये जो अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। गोपाल, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरह की दलीलें अब सरकार की तरफ से इस पूरे मैटर पे दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो है खासतौर पर इस मामले को किस तरह से आगे देखेगा और दिशा निर्देश देगा। शुक्रिया गोपाल, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।